2005 में एक कंपनी शुरू हुई जो कि आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, YouTube दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और इसे बड़ा बनाते हैं इसके क्रिएटर। और आज की इस वीडियो में उन क्रिएटर्स के लिए एक गुड न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि हर कोई बड़ी ऑनलाइन कंपनी करती है, अपना इनकम निकालती है, वो कैसे? एड दिखा के। YouTube ने भी एड को ही अपना इनकम के रूप में चुना और जो सबसे पहला एड फॉर्मेट YouTube के लिए बनाया गया उसे अगस्त 2006 में लॉन्च किया गया। जब गूगल ने इसके पोटेंशियल को देखा तो गूगल ने यूट्यूब को खरीदने का फैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं, हर बड़ी कंपनी को गूगल खरीद लेती है, तो यूट्यूब को भी गूगल ने $2.65 बिलियन में खरीदा, जो कि टेक्नोलॉजी में उस वक्त की सबसे बड़ी डील थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल भी एक सब्सिडियरी कंपनी है, इसके पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। तो हुआ यूं कि जब गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया तब गूगल की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जो मई 2007 में लॉन्च किया गया। हम में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में परसेंटेज कितना है। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, 55% यूट्यूब आपको देती है और 45% वो खुद रखती है। YouTube ने टाइम के साथ काफी बदलाव किए गए, जैसे कि जुलाई 2010 में YouTube ने अपने लैंडिंग पेज को रीडिजाइन किया, मार्च 2010 में YouTube ने ऐड को मोबाइल के लिए शुरू किया। पर ऐसा ही नहीं, YouTube ने सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म के लिए किया हो। जो क्रिएटर YouTube प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हैं, YouTube उनके लिए भी हर साल मीटअप्स करता है। जनवरी 2012 में YouTube ने अपने 30,000 पार्टनर पूरे कर लिए। ये पिछले साल की बात है कि जब क्रिएटर बढ़ रहे थे तो YouTube ने कुछ अपनी गाइडलाइंस में चेंज कर दिया और उन्होंने फरवरी के एंड होने तक 4000 वॉच आर का एक टारगेट रखा और 1000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट रखा। बहुत से लोगों ने वो टारगेट पूरा कर लिया और उनका चैनल रिव्यू में आ गया। ऐसे बहुत से चैनल हैं जिनका YouTube पर्सनली रिव्यू कर रहा है, और जिनका भी ये चैनल का रिव्यू पेंडिंग है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। YouTube की तरफ से YouTube के फोरम में और ब्लॉग में एक अपडेट आया है कि जितने भी चैनल YouTube पर पेंडिंग रिव्यू में है उनको जून के लास्ट वीक तक रिव्यू कर दिया जाएगा कि आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए सिलेक्टेड है या नहीं है, ये आपको जून के लास्ट वीक तक पता लग जाएगा। तो मैं अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अच्छा कंटेंट देते रहें और भरोसा बनाए रखें YouTube के ऊपर। थैंक यू।